हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक नए धमाकेदार वीडियो में। तो आज का वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है। उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दो एंड इस वीडियो को शेयर कर दो अपने ग्रुप में, जिससे उनको भी बेनिफिट हो सके। आप लोग देख ही सकते हो, मैंने आपको बार बार बोला था कि इस स्टॉक में इन्वेस्ट कर लो कर लो कर लो, बट आपने सुना नहीं होगा। आप लोग देख ही सकते हो, 2-3 दिन के अंदर ऑलमोस्ट 8% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया। 2-3 दिन के अंदर 8% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिया। अभी देखना और 2-3 दिन के बाद ये 10-12% का रिटर्न ऐसे ही प्रोवाइड कर देगा आपको। तो अभी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो, अभी भी मौका है। ऐसे स्टॉक, अच्छे अच्छे स्टॉक, ऐसे सरकारी कंपनी के स्टॉक आपको हमेशा डिस्काउंट पे नहीं मिलते हैं। जब डिस्काउंट पे आपको मिले तो उसमें पैसा लगा ही देना चाहिए, बेट नहीं करना चाहिए। अच्छे मुहूर्त का आपको पैसा लगा के कुछ ना कुछ क्वांटिटी बाय जरूर कर लेना चाहिए, क्योंकि जब अच्छे स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिल रहे हैं तो ज़्यादा क्वांटिटी मिलेंगे ना। आप 10 रुपये में अभी मान लो कि तुम इसमें पैसा लगाओगे, तो जहाँ मिलने को आपको 10 क्वांटिटी, वहाँ आपको 10-12 क्वांटिटी मिलेगा। क्योंकि जब स्टॉक डिस्काउंट पे मिले तभी बाई करना चाहिए। एंड मैं बात करूँ 1 साल के अंदर रिटर्न, तो आप लोग देख ही सकते हो 1 साल के अंदर जो रिटर्न प्रोवाइड किया है 108% का रिटर्न। कौन सी ऐसी कंपनी की जो 108% का रिटर्न 1 साल के अंदर प्रोवाइड कर देती है? ये एक गवर्नमेंट कंपनी है, तब भी 108% का रिटर्न प्रोवाइड कर दिए भाई 1 साल के अंदर। आप समझ सकते हो जो स्टॉक का प्राइस चल रहा है 286 रुपया चल रहा है, तो अभी भी मौका है इसमें खरीदने का। और सबसे बड़ी बात यह, अभी आपको डिस्काउंट पे मिल रहा है, आपको देख सकते हो 14% का डिस्काउंट पे मिल रहा है। अभी इसमें जाकर आप लोग बाय करो एंड अभी भी मौका है। ये आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर देखना 300 रुपये पे चला जाएगा, और 300 रुपये चला जाएगा तो आप खरीद नहीं पाओगे, तो कहोगे कि स्टॉक महंगा हो गया महंगा हो गया। तो कहाँ से, जब डिस्काउंट पे मिल रहा था, जब आपने खरीदा नहीं, अब स्टॉक जब भाग गया तो आप सोचो कि लाओ इसमें खरीदें, तो 330 रुपये पर जाएगा, तो 330 नहीं जाएगा, फिर नीचे आ जाएगा, फिर नहीं खरीदोगे। ऐसे चलता है स्टॉक, जब आपको डिस्काउंट पर मिल रहा है तो आपको बाय करना चाहिए। एंड मैं बात करूँ इसके फंडामेंटल के बारे में, तो आप लोग देख ही सकते हो 2.10 लाख करोड़ का इसका मार्केट कैप है। एंड जो बाउंड वीक में हाई बनाया था, इधर आप लोग देख सकते हो, जो बाउंड वीक में हाई बनाया था 340 रुपये का हाई बनाया था, एंड बाउंड वीक में जो लो बनाया था 127 रुपये का लो बनाया था। तो अभी भी मौका है, अभी इसमें जाकर बाय कर सकते हो। एंड मैं कंपनी का नाम बताऊं तो आप लोग देख ही सकते हो, बहुत नोन कंपनी है। इसका नाम है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड करके, आप इसे गूगल पे टाइप करके फर्दर रिसर्च कर लेना एंड इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो आँख मून के।